अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में मज़े में होंगे। चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। और आज बहुत ही स्पेशल डे है मेरे लिए, क्योंकि मेरी सबसे छोटी बेटी अनाया की बर्थडे है। और वो देखिए, वो क्यूट सी अनाया क्या कर रही है, केक के पीछे पूरी छुप चुकी हैं और उसके सारे बहन भाई उसके साथ हैं। माशाल्लाह मेरे चारों बच्चे मेरे सामने हैं इस वक्त, आपको मैं दिखाती हूँ। और ये है अहमद, तैबा, अला और ये छोटी सी अनाया, जिनकी आज फर्स्ट बर्थडे है। और उनकी सेलिब्रेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है, केक आपके सामने है। और हम लोगों ने इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करनी है। क्यूट सा केक बनाया था, क्यूट सी अनाया। अनाया हेलो करो सबको, हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ, क्लैप करके दिखा दो। सो हाय एवरीवन, आई एम तैबा। आई एम आला। एंड आई एम एमर। दिस इज बेबी अनाया। हाय अनाया, बर्थडे। We've been so excited the whole day, और हमने केक भी बनाया, जैसे कि मम्मा ने बताया कि हम रेसिपी भी शेयर करेंगे। और अनाया और अहमद खेल रहे हैं। असल में बहुत थक चुकी हैं और इनकी काफ़ी हम लोग देर से जो है पिक्चर वगैरह बना रहे हैं और सब कुछ है। और ये बस केक काटने का टाइम था, तो हमने कहा आप लोग के साथ वीडियो बनाते हैं और दिखाते हैं आप लोग को, और सारा डेकोरेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। हम लोगों ने सब ये खुद सेटअप किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया है सारा। और माशाल्लाह बच्चे आपके सामने हैं और उन्होंने भी अपनी तैयारी कर ली थी, और छोटी सी अनाया को भी आप देख रहे होंगे। और अगर आपको पिक्चर्स देखनी है तो आप मम्मा के इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, विच इज nas_vlogs। जी बिल्कुल, आप वहाँ जाके देखें। और माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स डली हुई हैं, ब्लॉग्स के लिंक भी हैं बीच में, सब कुछ है उसके अलावा। और अनाया की बर्थडे के लिए जितने उसके फ्रेंड्स की पिक्चर्स आई हैं वो भी मैं इस ब्लॉग में इंशाल्लाह डालूंगी, आप लोग आगे जाके देखेंगे। और उन बच्चों को अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे, और सबको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और मेरी फैमिली की तरफ से ढेर सारा प्यार, और अनाया की तरफ से उसके फ्रेंड्स को ढेर सारा प्यार। उसे मेरे बहन भाइयों के बच्चों की भी है, और जितने आप लोग मेरे साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, और मेरी प्यार करने वाली बहुत सारी ढेर सिस्टर्स ने अपने बच्चों की भेजी है। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे, सबके बच्चों को, और सबको आप देखें और बहुत सारा प्यार दें और माशाल्लाह कहें। और हम अपने ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि केक काटने का टाइम होगा। बच्चे भी बहुत एक्साइटमेंट में हैं, क्योंकि ये केक मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह का बनाया है छोटी सी अनाया के लिए। तो ये सब डेकोरेशन हमने आपके साथ शेयर की है, और इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। और अनाया भी बड़ा देख रही है और खुश हो रही है। अच्छा जी, और आप लोग कोई छोटी सी बात करोगे अनाया के लिए, पूरे साल में कैसा लगा आप लोग अनाया के साथ? The time went by so quick, और अनाया इतनी जल्दी 1 year की भी हो गई है, right? It was very interesting. Very interesting. और आपके लिए ला? Interesting as well. अच्छा अच्छा था बच्चों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो भी मतलब इतना टाइम के बाद ये छोटी सी क्यूट सी हमारे घर डॉल आई है, उसकी वजह से हमारे घर में एक रौनक हो गई है, पूरी लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया है माशाल्लाह। मगर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जिसकी वजह से हम सब बहुत खुश हैं। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे, और मेरे बच्चों को भी नज़र बद से बचा के रखे, अपने ज़ुमान में रखे। चलिए हम अपना ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और केक काटते हैं, और आप लोग भी हमारे साथ आ जाएं, जल्दी से क्लैपिंग करें और केक कटवाएं। हैप्पी बर्थडे अनाया, अच्छा आज क्लैप नहीं कर रही, वरना रोज क्लैप कर रही होती है, आज बस हिला जा रहा है थोड़ा थोड़ा सा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जी अब हम कैंडल लाइट कर रहे हैं और बिस्मिल्लाह करके बस अब केक काटने की तैयारी हो रही है। और आप लोग दुआओं में याद रखें, और अनाया के लिए ढेरों सारी दुआएं, और मेरी तरफ से आप लोग के लिए भी बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं। और अनाया बहुत मस्ती में आ चुकी हैं। हेलो अनाया, जल्दी सीधे देखो मम्मा की तरफ। So since Anaya cannot blow nahi kar sakti, to humne decide kiya ki me, Aman and Allah are going to do it, and we'll make a wish for Anaya as well. Hamare paas knife bhi hai, which we have personalized for Anaya, and this is a plastic knife, so which is better for her. She took it off her crown, it's okay. I'll put it back on. Yeah. Okay. So now Anaya is going to cut the cake. Chalo ji, cake kaato. Thank you.
चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं अनाया को केक खिलाते हैं उनकी बर्थडे का और हम इज दैट टू मच अनाया ओए शालाश पूरा बंच बॉक्स में जा ले गंदी बात चलो बिस्मिल्लाह करो थोड़ा सा हैंड से हिला दो ऐसा करो उसे है ना केक खा लो बेबी उसे नहीं खाओ केक को खाओ अम करो बिस्मिल्लाह करके वाओ यम्मी यम यम है नो सारी स्पून ओई नो हाउ इज द केक कलर दैट्स रियली गुड शरारतें भी हो रही हैं साथ साथ हमेशा की तरह से आप इनकी पुरानी बर्थडे की वीडियोस भी जाके देख सकते हैं ये लोग लाजमी शरारतें करते हैं और ये देखें अब तैबा की बारी है मैं ट्राई करने वाली हूं आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं मम्मा को हेल्प कराया था केक मेक करने में बिल्कुल आई जस्ट आई होप इट्स रियली गुड आई सेड इट्स रियली गुड ऑफ कोर्स इट इज मम्मा मेड इट या गो चेक हर रेसिपी आउट दैट्स रियली गुड डू यू लाइक अनाया केक काट के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सर्व करके इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगेगा और बस अब खाना वाना खाएंगे खाना भी डन था आपके सामने मैंने चीज़ें बना ली थी साथ साथ थोड़ी थोड़ी तैयारी कर ली थी तो ये है कि अब आगे कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को और आप लोगों को लेके चलते हैं अपने साथ व्लॉग में हाँ एक छोटा सा केक भी बनाया था ये भी आपको दिखा देती हूँ मैं यहाँ से मुन्ना मुन्ना सा केक हमने बनाया था ये देखिए अनाया के लिए लिटिल केक छोटा सा ऐसे ही थोड़ा सा बनाया था अहमद चाह रहा था कि जी अनाया के लिए एक केक छोटा सा तैयार किया जाए और अनाया के आगे रखा जाए वो खाए तो इरादा मेरा भी यही है पर मेरे ख्याल से अभी देखती हूँ मैं उसे वो पूरा खा तो नहीं पाएंगी मगर ये है कि आपको पता है जैसे बच्चे शरारतें करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है बस बच्चों को केक पेक काट के दूँगा और बच्चे आपको पता है बर्थडे का केक का तो बहुत इंतज़ार करते हैं जैसे छोटे हों या बड़े हों बर्थडे पार्टी हो और बच्चे एंजॉय ना करें ऐसा नहीं हो सकता माशाल्लाह आजकल सभी लोग कर रहे हैं बर्थडे वगैरह बच्चों की घरों में और करनी भी चाहिए और कौन सी ऐसी वो है कि ये नहीं मैं कहती कि भाई बहुत उससे की जाए आप खुद इंतज़ाम करें जैसे मैंने अपने घर में सारा इंतज़ाम खुद किया है मेरे बच्चों के लिए और इसी तरह मैं छोटी मोटी पार्टी घर में खुद ही कर लेती हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं बहुत ज़्यादा वो करें अपने हिसाब से जितना आपको अच्छा लगता है अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ यहाँ और कुछ नहीं होता हमारे पास ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिसे हम इंजॉय करते हैं चलिए जी अब आपके साथ शेयर कर देते हैं अनाया की बर्थडे का केक और ये है अनाया की बर्थडे का केक जो कि मैंने खुद तैयार किया था और ये मार्शमेलो फोंडेंट का है उस पर आप देख रहे होंगे फ्लावर्स हैं और आपके सामने प्यारी सी बटरफ्लाई भी बनी हुई है और क्यूट सा बनी है ऊपर बैठा हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था कलर्स वगैरह की सबकी हमने एक थीम रखी थी और उस हिसाब से हमने सब चीज़ों को मैच करके ये केक तैयार किया था उसके साथ की भी आसपास की जो भी डेकोरेशन है उसके साथ मैच करती हुई थी आप देखें यहाँ आएंगे तो ये भी DIY किया हुआ है नंबर वन जो लिखा हुआ है ये भी हमने खुद बनाया था और इसके ऊपर भी मैंने फ्लावर्स जो हैं वो लगाए थे और साथ ही क्यूट सा एक गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ है जो कि अनाया के लिए है और इसे भी आपके सामने इंशाल्लाह खोलेंगे और इसके पीछे भी आप देखें कि बहुत ही प्यारे से फ्लावर रखे हुए और यही आपके सामने है कि थोड़ा सा फ्लावर्स वगैरह का हमने टचअप दिया था और ये कार्ड आप देखें इस पे भी बटरफ्लाई और फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं और ये बर्थडे का कार्ड है जो कि अनाया के लिए हम लोगों ने किया था कि ताकि ये कि याद रहे हमेशा के लिए और यहाँ हम आपको बाकी चीज़ें भी दिखाते जाते हैं क्योंकि ये सब डेकोरेशन और सब चीज़ें आप घर में आराम से कर सकते हैं और ये सेटअप भी हमने खुद सब किया है आपके सामने और बहुत सारी चीज़ों को हम आपके साथ शेयर भी करेंगे अगर आप रेसिपी देखना चाहते हैं और आपको रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप रेसिपी देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी और ये छोटी छोटी डेकोरेशन से टचअप से आप देखें कि आपका टेबल बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और आपको लगता है कि भाई वाकई बर्थडे है और किसी बच्चे की बर्थडे है क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही क्यूट लग रही होती हैं उस वक्त आप देखें अभी भी आपको सामने चीज़ें नज़र आ रही होंगी इसी तरह मैंने साइड पे एक ट्रॉली रख के उस पे सब चीज़ें अरेंज कर दी थी और बाकी
बैकग्राउंड पे आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह हमने सेट किया था। एक पूरे बैलून से जो कि केक से और इस थीम से मैच कर रहे थे, उस पर नंबर वन था, साथ फ्लावर्स थे, साथ हमने अनाया का बर्थडे का लगा दिया था ताकि के पीछे बैकग्राउंड पे भी लाइट्स थी, कुछ लाइट्स हमने फ्रंट पे रखी थी, और इस तरह करके हमने इसको एक बिल्कुल आपके सामने एक रेडी करके दिखा दिया कि जी आप घर में भी इस तरह का सेटअप करके बच्चे की बर्थडे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ अनाया के क्यूट क्यूट गिफ्ट हैं, उनकी हाई चेयर है, इस पर भी मैंने छोटा सा क्यूट सा एक सेटिंग कर दी थी। यहाँ हमने सारा अनाया का नाम जो आपने पहले भी इसे देखा होगा ये तैबा ने बनाया था वो लगा दिया। इस ट्रॉली पर मैंने कुछ सर्विंग के बर्तन वगैरह रख दिए थे। यहाँ इसके गिफ्ट्स हैं जो कि आपके सामने इंशाल्लाह ताला हम खोलेंगे। अभी आज तक का व्लॉग हमने इतना ही रखा है और आगे आप देखेंगे अनाया के बहुत ही क्यूट क्यूट से और प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को जो कि इन्वाइटेड थे अनाया की बर्थडे पर। माशाल्लाह उसमें बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं और सब जो हैं बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। जिस तरह अनाया आज हैप्पी थी इस तरह वो बच्चे भी हमेशा खुश रहें। और अब आपको दिखाती हूँ मैं बच्चों को। जी अब चाहती हूँ इजाज़त और अनाया की बर्थडे आपके साथ शेयर करने का मकसद यही था कि आप लोग भी इसे इंजॉय करें। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने भी इसे देखा और पसंद किया और लाइक किया, कमेंट किया, सब्सक्राइब किया। और जो जो फ्रेंड्स अनाया के साथ थे उन्हें भी आप लोगों ने देखा, और उनके लिए और आप लोग के लिए ढेर सारा प्यार। और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे व्लॉग्स देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।